गाजीपुर से अमित उपाध्याय, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। चोरी से बचने के लिए सचिव व ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन में लगवाया सेंसर। दरवाजा खिड़की टच करते ही ग्राम प्रधान व पंचायत सहायक पर आ जाता है फोन। करंदा ब्लॉक के धरवा के ग्राम पंचायत सचिवालय में लगा सेंसर। खबर गाजीपुर से है, जहां एक तरफ पंचायत भवनों में चोरी की घटना आए दिन होती रहती है, वहीं करंदा ब्लॉक के धरवा गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय में चोरी की घटना से बचने के लिए सचिव मनोज यादव और ग्राम प्रधान बिंदु राणा ने सराहनीय कार्य किया है। सचिव व प्रधान ने ग्राम पंचायत सचिवालय में सेंसर लगवा दिया है, जिससे मिनी सचिवालय में चोरी न हो सके। सचिव मनोज यादव ने बताया कि जिले में पंचायत भवनों में चोरी की घटना आए दिन होती रहती है, इसको लेकर हर कमरे में हमने सेंसर लगवाया है, जो कि ग्राम प्रधान व पंचायत सहायक के मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अगर जो भी दरवाजा खिड़की और सिस्टम टच करेगा, ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मोबाइल फोन पर अलार्म बजने लगेगा। मैं मनोज कुमार यादव, एज सचिव ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धरवा, विकास खंड करंदा, जनपद गाजीपुर। सर, अभी कुछ ही समय पहले देखा गया तो धरवा जो ग्राम पंचायत सचिवालय है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बौधा, ये देखा जा रहा है कि जनपद में पंचायत भवनों में चोरी की घटनाएं आए दिन होती रहती है, इसको लेकर के मैंने हर कमरे में एक सेंसर लगवाया है, जो प्रधान जी के और पंचायत सहायक के मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे दरवाज़ा कोई खोलेगा या हमारे किसी सिस्टम को उठाएगा, तुरंत जो है अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। बाय द वे, मेन गेट से नहीं आते हैं चोर, और किसी खिड़की या दीवार से आते हैं और दीवार तोड़ते हैं। जैसे ही दीवार को तोड़ना शुरू करेंगे, वो सेंसर काम करने लगेगा और हमको अलार्म बजा देगा, और हम जान जाएंगे कि नहीं, पंचायत भवन में कोई अवांछनीय तत्व पहुंच गया है, और इस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। सर, ये देखा गया तो गाजीपुर जनपद में पहली बार जो आपके ग्राम पंचायत सचिवालय में लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, जनपद की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अपने विकास खंड में इस तरह का यहाँ हमने प्रयोग किया है, प्रशासनिक मत का उपयोग करके, और काम करने वाले थोड़ा कोऑपरेशन की बात है। कहीं कहीं आदरणीय प्रधान जी लोगों द्वारा कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और जहां मिल पा रहा है वहां पर अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान जी बड़े अच्छे लोग हैं, और सभी सचिवालय जो है समुचित और नियमानुसार संचालित हो रहे हैं। सर, चर्चाएं ये होती है कि सचिव साहब के नज़र में आता है कि कोई भी आवास में वसूली करता है, तो सचिव साहब काफ़ी सख्त एक्शन लेते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान जाइए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, जीरो टॉलरेंस की बात है, उसमें गरीबों तक योजना का लाभ पहुँचे। हमने ये प्रयास किया कि हर बेनिफिशरी के पास, जो आवास के लाभार्थी हैं, सभी के डोर टू डोर घर गया और सभी से इस बात को बताया कि आपको इतनी धनराशि मिलेगी, आपका सूची में नाम है, और यदि आप देखिए इस दशा में आप पात्र हैं, किसी को कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है, या नियमानुसार आपके खाते में धनराशि आएगी। यदि कोई ऐसा प्रलोभन देता है कि नहीं भाई, प्रधान जी या कोई गांव का आदमी ऐसा अवांछनीय तक प्रधान जी को छोड़ कर जाता है कि नहीं भाई, पैसा दे देंगे तभी आपका आवास आएगा, तो तुरंत आप मेरे नंबर पर, बीडीओ साहब के नंबर पर, पीडी साहब भी पेपरों में एडवर्टाइज किए थे, उनके नंबर पर आप फोन कर तुरंत बताएं और उस व्यक्ति को अवश्य पकड़ लें और पैसा ना दें। इससे जो है लोगों में एक विश्वास जगा है। सर, इस समय कुछ प्रधान टाइट फंड और अनटाइट फंड में काफी उलझन में आए, सर दर्शकों को बताएं टाइट फंड होता क्या है और अनटाइट फंड क्या होता है? देखिए, भारत सरकार जो 15वां वित्त आयोग की मूल गाइडलाइन है, उसमें टाइट फंड से वाटर कंजर्वेशन और सैनिटेशन दो चीजों पर ध्यान देना है और दो पर ही काम करना है। टाइट फंड जिसको हम कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन यानी पानी की समुचित व्यवस्था, और सैनिटेशन स्वच्छता, दो पर काम करना है। अनटाइट फंड में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा जो अनुमोदित कार्य होते हैं, सभी काम लिए जा सकते हैं। सर, और अन्य ग्राम प्रधानों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सभी
अपने जो हमारे कार्य क्षेत्र के प्रधान जी लोग हैं सभी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि गांव सभा का समुचित विकास हो और सरकार की योजनाएं निचले व्यक्ति के तक पहुंचे, ईमानदारी से पहुंचे और गांव सभा में जो भी काम हो ईमानदारी से समुचित काम। अपना परिचय दे दें। मैं ग्राम प्रधान बिंदु राणा, ग्राम धर्मा, पोस्ट कुसमई कला, जिला गाजीपुर के मूल निवासी हूँ। अभी तक देखा गया तो 2 साल कार्यकाल बीत रहा है और आपने ग्राम सभा में धरातल पर कितने कार्य करा चुकी है? जी, मैं पहला कार्य तो अपना ही ग्राम पंचायत ये सचिवालय का काम किया। पहले ये बहुत अस्त व्यस्त रूप में पड़ा था, बना तो था लेकिन अस्त व्यस्त, मतलब बहुत बुरी तरह इसकी हालत जो थी देखी नहीं जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि इसको एक ऑफिस के नुमा अच्छे तरह से इसको बना दिया जाए कि यहाँ पूरे ग्राम सभा का जो कार्य होता है, जो ब्लॉक पे कार्य करने के लिए यहाँ की जनता जाती थी, वो सारे कार्य यहीं पर किया जाए। तो हम और हमारे सेक्रेटरी सर दोनों लोग मिल करके इस क्या नाम है सचिव का? मनोज कुमार यादव। और हम दोनों लोग मिल करके इसको इसकी कायाकल्प को बदल दिए और बेहतरीन रूप से ऐसा बनाए कि मतलब कोई आए तो देखे कि नहीं कोई बनाया है और एक सीख भी सीखे कि इसी तरह से सारे ग्राम पंचायतों में सचिवालय बने और यहाँ की व्यवस्था जैसी सारे ग्राम पंचायतों में व्यवस्था रहे, ताकि देखी देखा हमारे समाज को बदला जा सके। कुछ समय पहले देखा गया तो आपके ग्राम पंचायत सचिवालय में सेंसर लगा हुआ है जी। जो कि अलार्म बजने लग रहा है दरवाजा खोलने पर जी। ये किस तरह तैयारियां आप लोग के द्वारा की गई थी? जैसे देखिए गांव में बहुत सारे चोरियां हो रही हैं, अब इसको बचाने के लिए मतलब सुना जा रहा है कि अदर पंचायत ग्राम पंचायतों में सचिवालय में चोरी हो रही है, या इसको बचाने के लिए हम लोग एक उपाय सूझी कि मतलब इसको लगा देने से हम लोग कहीं भी रहेंगे तो हम लोगों को कोई डर नहीं रहेगी, कोई भी यहाँ प्रवेश करेगा तो हम लोगों को घर बैठे हर चीज की जानकारी मिल जाएगी कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई घुसा है, इसलिए हम लोग यह लगवा दिए हैं। पहले ये पंचायत भवन नाम हुआ करता था, उसका नाम बदल के ग्राम पंचायत सचिवालय कर दिया गया, कितना अंतर देखती हैं आप सचिवालय में? जी सर, अब यही अंतर हम लोग देख रहे हैं, सचिवालय के रूप में अब एक ऑफिस की तरह यह सचिवालय हो गया। पहले तो मतलब यह था जिस तरीके से, लेकिन अब इस ऑफिस की तरह से सारी व्यवस्थाएं यहाँ होने लगी हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ आए हुए हैं कि हर लोगों का ऑफिस बना हुआ है, ग्राम प्रधान का ऑफिस अलग है और मैं सेक्रेटरी सर का ऑफिस अलग है, कंप्यूटर कक्ष अलग है, मनरेगा सेल अलग है, मतलब हर लोग अपना अपना काम अपने अपने ऑफिस में बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आपके यहाँ अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास कितने आए हैं? अभी इस समय तो 86 आवास आए हुए हैं। उन लोगों को किस्त आ गई है प्रथम किस्त? अभी नहीं।